हिमाचल प्रदेश राजकीय वन मंडल से संबंधित एलएसएम यूनियन ने ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध किया है। साथ ही यूनियन ने जीएसटी लागू करने पर भी ऐतराज जताया है। इस मामले को लेकर मंडी में यूनियन की एक बैठक यूनियन के उपाध्यक्ष हेम सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई और एक मांग पत्र तैयार करके विभाग के माध्यम से वन मंत्री को भी भेजा गया। यूनियन का आरोप है कि वन विभाग द्वारा भरोसा निकालने के लिए ईस्ट बेस व खाली टीनों की दरों सहित नियमों को ताक पर रखकर टेंडर किए गए हैं। यूनियन का आरोप है कि एलएसएम को निगम द्वारा खाली टीन दिया जाता है, जबकि निगम खुद खाली टीन ले रहा है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। आज जो है 16 तारीख 2019 को इन्होंने ई टेंडरिंग और शेड्यूल रेट पे जो है पूरा निकासी के टेंडर आमंत्रित किए हैं। हम लेबर सप्लाई मेटों को जितने भी हम 40-45 आदमी हैं, हमें मान्य नहीं है, क्योंकि बूढ़े जंगल है, ये ज्यादा यील्ड मांगते और रेट हमारे को शेड्यूल रेट 2007 का दे रहे हैं, तो ये हम लोगों को बिल्कुल मान्य नहीं है। और खाली टीम का बोझ भी हमारे पे, जबकि 40-45 37 और 38 रुपये टीन खरीदते हैं, हमारे को 20 रुपये उसमें दे रहे हैं। और ई टेंडरिंग प्रथा जो है हमारे ऊपर थोपी जा रही है, जबकि हम एलएसएम है, एलएसएम का काम है लेबर सप्लाई करना इनको, कॉरपोरेशन को, वन निगम को, परंतु ये हमारे को बाध्य कर रहे हैं, भैया आप जो है जीएसटी नंबर लो और ये हमारे ऊपर जो है 1500 रुपये हर महीने का बोझ डाल रहे हैं उस पे भी। तो हमारे जो है बरोजा और लकड़ी ढुलवान का कार्य पहले जो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन यूनियन को दिया जाता है, परंतु इसके को भी हमारे को दे रहे हैं, ये भी हमारे को मान्य नहीं है। और पेमेंट जो है हमारे को साल साल की पेमेंट नहीं मिलती है, जब हमारा काम 31 मार्च को क्लोज हो जाता है या दिसंबर को खत्म हो जाता है, तो हमारे को उसी टाइम पेमेंट चाहिए, ये भी हमारे जो है हमारी प्रमुखता है। अगर नहीं दिए जाते तो हमारे को जो हमारे हम 31 मार्च के बाद जो है हम पेमेंट विद इंटरेस्ट लेंगे, तो हमारे से ये 5000 या 5500 रुपये के हिसाब से रिकवरी करते हैं, परंतु हम जैसे कास्ट निशान के कार्य में ज्वाइंट इंस्पेक्शन पे जो है बेब ऑफ हो जाता है, वो इसी तरह ब्रोजे का भी होना चाहिए। जैसे बारिश हो जाती है, आग लग जाती है या दूसरे कई बिंदु है, जिससे हम हमारी पेमेंट को लाखों रुपये के हिसाब से गरीब ठेकेदारों की गरीब ठेकेदारों की जमा कर रखी है, उसको तुरंत भाव से पिछली जो पेमेंट है हमारे को दी जाए।